बात सिर्फ पोटेंशियल की नहीं है, बात प्लेटफॉर्म की है। अगर सिर्फ पोटेंशियल से सब कुछ होता तो आज इंडिया के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो MLM करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके डिजायर, उनके सपने दबे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आज MLM का इतिहास बदल के रख दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने आज तक इतने अर्नर्स पैदा किए हैं जितने शायद आज बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर भी ना किए हों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्सेज के बारे में। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि ऐसा कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए जो आपको फोर्सेज करने से कहीं ना कहीं दूर कर दे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि फोर्सेज आखिर है क्या। दोस्तों, फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो आपको अर्निंग करने का एक मौका देता है। इस प्लेटफॉर्म को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे आप अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन डिजिटली सेव कर सकते हैं और कोई भी इंसान उसको एडिट, डिलीट या चेंज नहीं कर सकता। यानी कि खुद ऑनर भी चाहे तो वो उस डेटा को कहीं ना कहीं फेक तरीके से शो नहीं कर सकता और उसको चेंज नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज लोगों का विश्वास फोर्सेज के ऊपर इतना ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे किसी तरीके का कोई फेक सिस्टम नहीं है। जैसे बाकी कंपनीज में आपने देखा होगा बहुत सी बार कि लोगों की आईडीज को चेंज कर दिया जाता है, किसी की आईडी को डिलीट कर दिया जाता है, किसी का स्ट्रक्चर इधर से उधर हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज फोर्सेज है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जिसको ना तो कोई कंट्रोल कर सकता है, ना ही कोई चेंज कर सकता है और ना ही कोई डिलीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आज बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन आज एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है जिसको ना तो आज तक कोई चेंज कर पाया, ना कोई डिलीट कर पाया और ना ही कोई उसको कंट्रोल करता है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे देश नए नए लॉज, नए नए रेगुलेशन लाते रहते हैं, बट उन सारी चीज़ों के चलते भी आज तक बिटकॉइन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया और उसने आज तक अपनी स्पीड को कम नहीं होने दिया, वो तेज़ी से साल दर साल बढ़ता आ रहा है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन को रोकने का, तो इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो है इंटरनेट को बंद कर देना। जो कि हम सब जानते हैं, एक कॉमन सेंस हमारी ये बताती है कि इंटरनेट को कभी बंद किया ही नहीं जा सकता बिकॉज इसको बंद करने का मतलब है GDP को खराब करना, देश को बर्बाद करना। तो इससे हमें ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो जाता है, ये विश्वास हो जाता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जो कभी बंद तो एटलीस्ट नहीं होगा, और यही चीज़ हमें सेफ्टी देती है और हमें एनर्जी भी देती है। आगे चल के अगर मैं बात करूँ फोर्सेज की प्रोफाइल के बारे में, तो फोर्सेज आज से लगभग 2 साल पहले 6 फरवरी 2020 को मिस्टर लाडो ने स्टार्ट किया, जिनके एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 8 से 10 साल का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का उनके पास एक्सपीरियंस है। और आप समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जिसने काम किया है वो कोई ऐसा वैसा इंसान तो नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट में जिसने काम किया है उसका एक्सपीरियंस, उसकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज कोई छोटी मोटी नॉलेज तो नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि यार ऐसे इंसान ने अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया है तो उसने कोई ऐसा छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया होगा, उसने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया होगा जिसको लेके रातों रात कोई फरार हो जाए। बात करें अचीवमेंट्स की, तो आज मात्र 2 साल के अंदर 18 लाख से ज़्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फोर्सेज के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर बात करें पे आउट्स की, तो आज 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की अर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 750 से ज़्यादा लोग 1 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक की अर्निंग कर चुके हैं। 200 करोड़ सुन के हमें बहुत सी बार पछता नहीं है और लोगों को ये भी लगेगा कि क्या ये झूठ तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास जिसने भी ये वीडियो शेयर किया है, आप उन लोगों का ID नंबर उनसे मांग सकते हैं जिन्होंने यहाँ से अर्निंग की है, जिन्होंने यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, बिकॉज यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ आया कुछ नहीं आया। यहाँ पे आप जिसका भी पे आउट देखना चाहते हैं आप उसके ID नंबर से खुद जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे मेन सवाल पे, जो है फोर्सेज ही क्यों करें, ऐसा क्या रीज़न है जिसके लिए आपको फोर्सेज करना चाहिए। हालांकि मैं अभी तक वीडियो में जितना मैंने बताया है वो इनफ है किसी को भी ज्वाइन करने के लिए, बट मैं आज आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपको मजबूर कर देंगे फोर्सेज के साथ काम करने के लिए, एसोसिएट होने के लिए। तो हमारे 7 पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, कोई इसको ओन नहीं करता, कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता।
जैसा ये आज है वैसा ही आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल या 50 साल में भी ये ऐसा ही रहने वाला है, और इसमें सेम तरीके से काम होगा, सेम तरीके से लोग यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है रियल टाइम पेमेंट। आज आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा कि पे आउट जो है या तो वो वीकली आते हैं या मंथली आते हैं, बट फोरसार्ज में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो रियल टाइम में आता है। रियल टाइम का मतलब आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाई और दूसरी तरफ आपका जो वॉलेट में अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और यही यहाँ की ट्रांसपेरेंसी भी है, बिकॉज बाकी की कंपनीज में हमको नहीं पता होता किस तरीके से हमारा पे आउट जनरेट किया गया, बनाया गया, पॉइंट सिस्टम क्या था, पीवी बीवी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका जो पे आउट है उनकी सेल के हिसाब से जस्टिफाई करता भी है या नहीं करता। और यही फोर्सेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि 1 सेकंड के अंदर आपका पे आउट ट्रांसफर हो जाता है, कोई अपनी कंपनी होल्ड नहीं करती, कोई अपने पास नहीं रखती, वो आपको ऑन टाइम आपको पेमेंट ट्रांसफर करती है विद इन अ सेकंड। थर्ड पॉइंट है नो ओनर। यहाँ पे कोई मालिक नहीं है जो जब मन चाहा अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ को चेंज कर दे, कभी कोई ऑफर ले आए, कभी कोई नई इनकम ले आए, कभी पुरानी इनकम कोई हटा दे। इन सारी चीज़ों से जो डिस्ट्रीब्यूटर को परेशान करती हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव करती हैं, वो ऐसी कोई भी चीज़ फोर्सेज के अंदर नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा ऑनर नहीं है जो जब चाहे अपनी मनचाही अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल करे। ये एक प्लस पॉइंट है जिससे आम आदमी का विश्वास बढ़ता है और वो लंबे समय तक एक प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ की जितनी ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी सिस्टम में हो सकती है, बिकॉज सबसे पहला ये ब्लॉकचेन पे है और दूसरा ये डिसेंट्रलाइज है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई फेक चीज़ें या हिडन चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी कंपनीज में देखा होगा कि झूठे पे आउट प्रमोट करे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत गलत चीज़ों को दिखा के प्रमोट करके, रॉन्ग प्रमोशन करके लोगों को लाया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, चाहे किसी का पे आउट हो, चाहे किसी की अर्निंग हो, चाहे किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने अपलाइन की भी डाउनलाइन की भी, जिस वजह से यहाँ पे किसी तरीके का कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होता, कोई फेक चीज़ें लोगों के साथ नहीं होती और लोग यहाँ पे खुशी खुशी काम करते हैं और अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है नो साइड मेंटेन। जो आज लाखों लोगों की MLM के अंदर दिक्कत होती है, जिस वजह से उनका पे आउट नहीं बन पाता, जिस वजह से वो बल्क बाइंग करते हैं, लाखों रुपए का सामान खुद सेल्फ बाइंग करके अपना मार्केट में पे आउट दिखाने के चक्कर में अपनी सेल्फ बाइंग करते हैं और हजारों लाखों रुपए का सामान घर में जमा हो जाता है, घर ना रहने की बजाय एक स्टोर बन जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ज्वाइनिंग भी अगर आप लगाते हो तो उसका भी पे आउट आपको यहाँ पे मिलता है, विदाउट एनी साइड मेंटेनेंस, विदाउट एनी पीवी बीवी लेग सिस्टम, इन सारी चीजों से कंडीशन फ्री प्लान आज फोर्सेज है। छठा पॉइंट है नो प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पे आपको कुछ बेचना नहीं है, यहाँ पे आपको अपना झोला भर के लोगों के घरों में जाके उनको प्रोडक्ट डेमो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आज जो लाखों लोग पहले से आज तक MLM में करते आए हैं, कभी साबुन का डेमो दे रहे हैं, कभी टूथपेस्ट का डेमो दे रहे हैं, कभी डिटर्जेंट पाउडर का डेमो दे रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं फील आने लगा था कि वी आर नॉट अ नेटवर्कर, हम एक सेल्समैन बन गए हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्समैन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आने वाली, बिकॉज यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, या आप डिजिटली अर्न करने वाले हैं लोगों का एक बड़ा नेटवर्क बना के। सातवां पॉइंट है अपलाइन एंड क्रॉसलाइन इनकम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका सिर्फ डाउनलाइन से इनकम नहीं आती बल्कि क्रॉसलाइन और अपलाइन से भी इनकम आती है। और यही वजह है कि जहाँ पे आज प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर 95% लोग नहीं कमा पाते, यहाँ 95% से ज़्यादा लोग आज कमा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक भी आईडी नहीं लगाई और उनकी भी आईडी पे 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा तक की इनकम बनी हुई है। तो ये 7 पॉइंट आज आपको ज़रूर मजबूर करेंगे फोर्सार्ज के अंदर ज्वाइन करने के लिए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा है, एक बार उनके साथ बैठिएगा, ज़रूर ओपन माइंड होके एक बार ज़रूर फोर्सेज को समझिएगा, बिकॉज आज अगर आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो आपको लाइफ टाइम रेग्रेट रहने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितने भी लोग आपके हैं उनको इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी समझ पाएँ कि फोर्सेज आखिर है क्या। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।